फाइनली गाइस हम लोग रिलायंस के शोरूम में है, रिलायंस जितने के शोरूम में, जहाँ पर बीपीएल की ये 32 की टीवी, जैसे बीपीएल में गूगल टीवी मिलेगा, ओके गूगल मिलेगा, डॉल्बी ऑडियो मिलेगा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड क्रोम कास्ट बिल्ट इन मिलेगा। ये 32 की टीवी रहेगी 80 सेंटीमीटर की। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले, और इसमें आप 2 ईयर वारंटी रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि आपको वो इस टाइप का रिमोट मिलेगा, इस टाइप के रिमोट में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग देख सकते हैं इसमें कैसे क्या सेटिंग रहेगी, रिकनेक्ट स्क्रीन सेवर और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। सो गाइस वन मोर थिंग कि ये फ्रेंड्स की गूगल टीवी है, तो फिलहाल मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ कि गूगल टीवी में एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सेटअप गूगल टीवी है, नेटवर्किंग, इंटरनेट है, अकाउंट है, ऐप्स है एंड आपको सिस्टम मिल जाएगा, रिमोट एसेसरीज है ना, अबाउट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब ये इसके अंदर की सेटिंग में रहती है ना। बट ये गूगल टीवी है तो ये आपकी स्क्रीन में डायरेक्ट नहीं हो गया, आपको सेम वाईफाई कनेक्शन देना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड बीपीएल की सेम टीवी मिल जाएगी आपको, मगर ये वेबॉस की पावर वेबॉस है, तो आपका इसमें देख सकते हैं इसमें आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी बीपीएल में, आपको सेम वाईफाई कनेक्शन नहीं देना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट होगा। मैं इसको एक चेक करके दिखाता हूँ, अभी 4K Ultra HD है, तो मैं आपको इसको मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस मैंने एक भैया से बोला था कि इसको उसके मीटिंग करके दिखा दीजिए इस टीवी में, 43 इंच की टीवी में जो 33,990 की है, तो उसने उन्हें चेक करके देखा था, तो उन्हें दिखाया कि चलो बीपीएल में जो 43 इंच की है, 50 इंच की टीवी है, तो उन्हें करके दिखाया। यहाँ पर वो देख रहे हैं कौन सी लिस्ट में स्क्रीन मीटिंग हो जाएगी, तो वो चेक कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे वेबॉस का ही होगा आपका, क्योंकि वेबॉस में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, और उन्हें ओके कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं है ना। तो अभी फ़िलहाल ये हो नहीं पा रहा है, 2 मिनट पर ट्राई कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये अब हो चुका है, ये देखिए देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ऐसे कुछ रहेगा और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखिएगा कि अगर आप टीवी 32 इंच की लेते हैं या 43 इंच की या 50 इंच की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वेबॉस वर्जन होना चाहिए, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये देख सकते हैं स्क्रीन सेटिंग वीवो डी में स्टॉप हो गया है और ख़त्म।